शिव, महादेव, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। दूसरा बच्चा, उसका भाई, उसने महाबाल असुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक संकी जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। Thank you.
भाग्य का फैसला करेंगे? बाबा, हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा, ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर, कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा, और तब वीरभद्र निकले शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया। अश्वत्थामा का जन्म। द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा। उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते, ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे केसरी,
जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता, इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। नहीं, ये बेचारे लोग, मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी? मैं उन्हें बचा सकती थी। ये किस शैतान का काम है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ लायक। मैं तुझे और मासूमों को मार नहीं दूंगी। Thank you.
उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबाला सूर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। रहस्यवादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं रुकेगा। सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा। रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी। रहस्यवादियों का सरदार बहुत समय तक महाबालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। दिव्यनाग, मैं आपकी शत्रु नहीं हूं। वो नाग का सामना कैसे करे? मैं सहम